नमस्कार मु बर्खा आज आपन को आम चैनल स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आम जानिबा कि जदि आम यही सब खाद्यर सेवन करुचे खरा दिन में ताहले सीए किपरि आम स्वास्थ्य उपर खराब प्रभाव पकाइए। वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्व जदि आप जाके आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले निश्चित सब्सक्राइब करूँ ता कड़े बेल आइकन को क्लिक कले आप नोटिफिकेशन पाइबे आम जहाँ भी वीडियो अपलोड करूँ। आपन को जदि आम वीडियोस पसंद ताहले लाइक और कमेंट करूँ निज परिवार वर्ग और सांग मान सहित आम वीडियो शेयर करूँ हेले से जापर कि क्यों सब खाद्य खाइले खरा दिन में आम स्वास्थ्य उपर से खराब प्रभाव पकाइए। ताहले चलतु आरंभ करवा आज वीडियो प्रथम हूँ खरा दिन में आमको अधिक रु अधिक मात्रा रे शोष लगे एवं आमर झाल बाहरी आमको पानी रो अधिका आवश्यक होता है। किंतु जेहेतु आमे पानीटा प्लास्टिक बोतल रखुचे से कि खरा ताति रे आमर पानी गुड़ा गरम हो जाए जो कि आमको अधिक मात्रा रे पानी पिया को इच्छा होना था। किंतु आम आपको बारंबार कहीचु कि प्रतिदिन कम से कम आपन को 3 लिटर किंवा 4 लिटर पानी पीबार अच्छे एवं ताठू अधिका जदि आपन पिउचंती ताहले सेटा आपन को स्वास्थ्य पे बहुत लाभदायक होता है। एवं प्रतिदिन जदि आपन 7 रु 8 लिटर पानी पीबे ताहले सेटा आपन को स्वास्थ्य को ठीक रखिबारे सहाय्य करिताए। किंतु जेहेतु गरम दिन रे पानी को जदि आमे बाहर रखिबा ताहले पानीटा अधिक रु अधिक गरम हो जाए जो कि आमको पीवाक इच्छा होना था। से आपड़ देखी बहुत जन घरे फ्रिज भितर पानी बोतल निश्चित थी जदि भी पानी बोतल नमने फ्रिज भितर आइस कि बरफ रखिथे पानी पीवा समय से मैंने बरफ पकाई पीथे। जदि आपण यही प्रकार काम करुंटे जाणिनियंतु कि सेटा आपण को स्वास्थ्य उपर बहुत खराब प्रभाव पकाइए। जेहेतु बरफ जदि आम बारंबार सेवन करवा सी आमर पाचन क्रिया उपर खराब प्रभाव पकाइए एवं आमर जदि पाचन क्रिया खराब हम ताहले आमर पेट जनित समस्या होता है एवं आमर शरीर तापमात्रा बढ़ी जाए। जेहेतु आपण जेतेबेले थंडा पानी रा सेवन करुचंती आपण का पेट थंडा होई जाइते हजम ठीक से होई परिनते जो पैं कि आपणकर रक्त संचालन ठीक से होई पानते जो पैं कि आपणकर शरीर रे तापमात्रा बढ़ी जाइथाए। एवं जदि आपण अधिक मात्रा रे खरा दिन रे आइसक्रीम कुल्फी किंबा थंडार कॉफी पिउचंती ताहले सीए मध्य आपण को स्वास्थ्य उपर बहुत खराब प्रभाव पकाइए। जेतेबेले आपण देखिबे कि आपण दिन को गोटे किंबा दुईटा आइसक्रीम खाउचंती आपण को अधिका शोष लागिथाय किंबा आपण को धीरे धीरे अधिका भोक लागिबारे लागिथाय। सेतिपाय कि आपण खरा दिन रे चेष्टा करंतु नॉर्मल पानी पीबा पय भूल ले भी आपण ठंडा पानी रो सेवन करंतु नै सेवन करबा द्वारा आपण को स्वास्थ्य उपर बहुत खराब प्रभाव पकाइए। द्वितीय हूँ आपण समस्ते जानते कि खरा दिन में आंब और पणस प्रचुर मात्रा रे मिलता है। किंतु जदि आपण आंब किंबा पणस अल्प मात्रा रे खाउचंती जेपरी आपण गोटे मास रे 2 रु 3टा खाउचंती ताहले सेटा आपण को स्वास्थ्य पे लाभदायक होता है। आपण को इच्छा मरी जाए थे एवं आपण को स्वास्थ्य ठीक रही थाए। किंतु जदि आपण अधिक रु अधिक मात्रा रे आंब खाइबे किंबा पणस खाइबे ताहले सीए आम शरीर रु जिते भी पानी अंश अच्छे ताकू बाहर कर देथाए। जेहेतु आंब रे प्रचुर मात्रा रे चीनी अंश रही किंबा आपण कहीपरिबे नेचुरल मीठा अंश रही जोटा आपणकर शरीर रे जिते भी पानी अंश अच्छे ताकू बाहर कर देथाए। एवं जदि आपण अधिक आंब खाइबे ताहले आपण को अधिक रु अधिक शोष होता है एवं शोष हवा जगार आपण नॉर्मल पानी पीवा जगार ठंडा पानी रा सेवन कर दे थांती जोटा आपण को स्वास्थ्य पे अधिक खराब होता है। आपण निजे अनुभव करते जदि आपण गोटे दिन में गोटे रु 2टा पाचिला आंब खाउचंती
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ବି ହେଲେ ଅଧିକା ଆମ୍ବର ଖାଇବେନି। ଅଧିକା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଲୋଭୀ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖରାଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ ଖାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମାଇଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଇଁଷ ଖାଏ। ଖରାଦିନରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ହଜମ ଠିକ୍ସେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଖରାଦିନରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଖରାଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଯେପରି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଜମ କ୍ରିୟା ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଖରାଦିନରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଖରାଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଖୁସିରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖରାଦିନରେ ମଦ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଏ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସିଏ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାଦିନରେ ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିପାରିନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଯେଉଁପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଏ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଖରାଦିନରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।